में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। सो अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो व्हाट इज़ आर्टिकल? वर्ड्स दैट केम दैट कम बिफोर द नाउन, नाउन एज एन आर्टिकल फॉर लाइक ए आ एंड द आर द आर्टिकल्स। सो आर्टिकल जो है, आर्टिकल ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, वर्ड आ एन एंड द, ठीक है। अब इन आर्टिकल्स में ना दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। वो कौन से हैं? वो है वर्ड आ एंड एन, ये दो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो द वर्ड है ना, द, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब वो जब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। सो फॉर एग्जांपल, अब हम आर्टिकल की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जांपल है शी सॉ द डॉक्टर। अब देखें, जो द वर्ड है ना वो नाउन से पहले यूज़ हुआ है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल। अब हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है क्लियर, मीन्स जिसके बारे में हम क्लियर होते हैं, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम जब पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। मीन्स के पर्टिकुलर नाउन से पहले जो आर्टिकल आता है ना उसे द कहते हैं, ठीक है, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। सो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, द हॉर्स इज़ आ नोबल एनिमल। तो हॉर्स देखो, इसमें पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है। सो इससे पहले द यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द गर्ल ट्राइड। अब गर्ल देखो, वो भी तो नाउन है ना, पर्टिकुलर नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल से मतलब कि ये देखें ना, पर्टिकुलर नाउन जो है उससे पहले द का वर्ड यूज़ हुआ है। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल डेफिनेट आर्टिकल की। अब हम चलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। तो इनडेफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसके बारे में हम क्लियर नहीं होते, किसी भी चीज़ को लेके हम क्लियर नहीं होते। सो इसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एन और आ, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है, वन इवनिंग अ बेगर केम, ठीक है। सो इसमें जो आ है ना वो है इनडेफिनिट आर्टिकल। सो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट आर्टिकल के बारे में, और मैंने इसकी टाइप्स भी डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।